हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। इन्फिनिक्स कंपनी ने दोस्तों इन्फिनिक्स नॉट 10 सीरीज के तहत दो स्मार्टफोन को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है और वो है दोस्तों इन्फिनिक्स नॉट 10 और इन्फिनिक्स नॉट 10 प्रो। दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन में आपको 5000 मेगाहर्ट्ज की दमदार बैटरी देखने को मिलने वाली है। इन्फिनिक्स नॉट 10 की बात करें तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 48MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है, जबकि दोस्तों इन्फिनिक्स नॉट 10 प्रो स्मार्टफोन में आपको 64MP का क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है। ये स्मार्टफोन दोस्तों उन सभी लोगों के लिए खास होने वाले जो OTT प्लेटफॉर्म पर मूवी देखना पसंद करते हैं और जो गेमर है, क्योंकि दोस्तों इस स्मार्टफोन में 6.95 इंच की बड़ी डिस्प्ले दी गई है जो दोस्तों आपको गेमिंग और OTT प्लेटफॉर्म पर मूवी देखने का एक अलग ही एक्सपीरियंस कराने वाली है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस और इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं हूं जिग्नेश, आप देख रहे हैं कैम्चोटेक। चलिए शुरू करते हैं। डिजाइन की बात करें तो दोस्तों इन्फिनिक्स नॉट 10 सीरीज के ये दोनों स्मार्टफोन आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्लोसी डिजाइन के साथ देखने को मिलने वाले हैं। इन्फिनिक्स नॉट 10 के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 11 में XOS 7.6 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। डिस्प्ले की बात करें तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 6.95 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है जो दोस्तों 180Hz सैंपलिंग रेट के साथ आती है। वही दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको MediaTek Helio G85 एक पावरफुल ऑलराउंडर गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। कैमरे की बात करें तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है जिसमें दोस्तों 48MP का प्राइमरी सेंसर होने वाला है। वहीं दोस्तों 2MP का मैक्रो और 2MP का डेप्थ सेंसर आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएंगे। वही दोस्तों वीडियो कॉलिंग और सेल्फी की बात करें तो स्मार्टफोन में आपको 16MP का कैमरा देखने को मिलने वाला है। पावर बैकअप के लिए दोस्तों आपको स्मार्टफोन में 5000 mAh की दमदार बैटरी देखने को मिलने वाली जो दोस्तों 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। इन्फिनिक्स नॉट 10 प्रो की बात करें तो दोस्तों ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 11 बिल्ड XOS 7.6 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इस स्मार्टफोन में भी दोस्तों आपको 6.95 इंच फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है जो दोस्तों 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है। बेहतर परफॉर्मेंस के लिए दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको MediaTek Helio G95 प्रोसेसर दिया है जो दोस्तों एक ऑलराउंडर प्रोसेसर माना जाता है। ये प्रोसेसर खासकर गेमरों के लिए तैयार किया गया है जिसमें दोस्तों आपको एक बेहतरीन गेमिंग का एक्सपीरियंस मिलने वाला है। कैमरे की बात करें तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 64MP का क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है जिसमें दोस्तों 64MP का प्राइमरी सेंसर होने वाला है, जबकि 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2MP का मैक्रो, 2MP का डेप्थ सेंसर लेंस आपको स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों सेल्फी और वीडियो कॉलिंग की बात करें तो फ्रंट साइड आपको 16MP का कैमरा देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 5000 mAh की दमदार बैटरी दी है जो दोस्तों 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। सिक्योरिटी की बात करें तो दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक की फैसिलिटी देखने को मिलने वाली है। साथ ही ये दोनों स्मार्टफोन ड्यूल स्पीकर विद DTS के साथ आते हैं। वेरिएंट की बात करें तो दोस्तों इन्फिनिक्स नॉट 10 को कंपनी ने दो वेरिएंट में भारतीय बाजार में लॉन्च किया है, जिसका पहला वेरिएंट है दोस्तों 4GB रैम और 64GB फोर स्टोरेज और ये वेरिएंट दोस्तों आपको 10,999 रुपए के प्राइस सेगमेंट में देखने को मिलने वाला है, जबकि स्मार्टफोन का दूसरा वेरिएंट है 6GB रैम और 128GB फोर स्टोरेज और ये वेरिएंट दोस्तों आपको 11,999 रुपए के प्राइस सेगमेंट में देखने को मिलने वाला है। वहीं दोस्तों इन्फिनिक्स नॉट 10 प्रो की बात करें तो इस स्मार्टफोन को कंपनी ने सिंगल वेरिएंट में भारतीय बाजार में लॉन्च किया है जो दोस्तों आपको 8GB रैम और 256GB फोर स्टोरेज के साथ भारतीय बाजार में देखने को मिल जाएगा और इन दोनों स्मार्टफोन का पहला सेल 13 जून को ई कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर शुरू होने वाला है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर दोस्तों आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं, अगर दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको पसंद आया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।